आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। शराब से मालामाल होगी उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में महंगी हुई शराब, नई आबकारी नीति को मंजूरी। काफल, माल्टा, आड़ू, बेड़ू से बनेगी देसी शराब। उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति पर मोहर लगा दी है, जिससे इस साल उत्तराखंड में शराब महंगी होने जा रही है। शराब की कीमतों में 5-10% बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सरकार ने आबकारी के राजस्व को 11% बढ़ाते हुए 4,000 करोड़ से 4,440 करोड़ कर दिया है। आबकारी नीति में एक और बड़ा फैसला किया गया है, जिसके तहत पहली बार राज्य में विदेशी मदिरा के बॉटलिंग प्लांट खोलने की इजाजत दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल निवेश बढ़ेगा, बल्कि उत्तराखंड उत्पादक और निर्यातक राज्य के रूप में स्थापित हो पाएगा। सरकार का एक और बड़ा फैसला ये भी है कि अब उत्तराखंड के स्थानीय फलों से देसी शराब बनाई जा सकेगी, जिसमें कीनू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती, आड़ू, बेड़ू समेत तमाम दूसरे फलों के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही सरकार ने शराब की पुरानी दुकानों को 10% वृद्धि के साथ नवीनीकरण करने की व्यवस्था दी है। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा, उनका लॉटरी या नीलामी के साथ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।